नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ भाई, सऊदी अरबी जैसी वर्ल्ड में सबसे इस्लामिक कट्टर कानून के मामले में हम बात करें, इस्लामिक वहीं से शुरुआत होती है इस्लाम की। और उस देश पवित्र देश में हम मान सकते हैं कि वहां पे वेश्यावृत्ति करना, ब्लैकमेल करना, ऐसे केस आपको पता है वहां पे चल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। जी हाँ, लेकिन जो ये लोग करते हैं ना, बिल्कुल गलत है। 3 लोगों का एक गिरोह था, ये पूरा प्रोसेस, हालांकि किस देश के थे ये सरकार ने उजागर नहीं किया, लेकिन ये तो तय बात है कि जिस भी देश के हैं उस देश को नाम तो खराब करते हैं, इस बात को आप मानते हैं। और मुझे लगता है भाई कि कौन से देश के हो सकते हैं, मेरे हिसाब से अब क्या पता लगे भाई, इंडियन भी हो सकते हैं। बाकी मेरा शक है बांग्लादेशी लोगों पे है, वो लोग ज्यादा इस तरह के अंजाम देते रहते हैं। जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सऊदी अरब में पिछले दिनों बता दूं, वेश्यावृत्ति के आरोप में बुलाकर वेश्यावृत्ति करने के यानी वेश्यावृत्ति के लिए लोगों को उत्साहित करते कि आओ हमारे पास आओ, फिर उसका वीडियो बना के ब्लैकमेल करने वाले 3 गिरोह को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, अब ये करते क्या थे, किस तरह से करते थे, देखिए ये लोग अपने बिजनेस को, ये अपना बिजनेस बना रखा था इन्होंने कि ये हमारा बिजनेस है। सोशल मीडिया पे फर्जी अकाउंट, मैंने हर बार बताता हूँ भाई फर्जी अकाउंट से बचना चाहिए, फर्जी फेसबुक अकाउंट से सोशल मीडिया पे कई फेक अकाउंट बना के अच्छा अच्छा प्रबल आपको लालच दिया गया। जी हाँ, पूरा उनका प्रोसेस फेक होता है, लालच देते, फिर वो बंदे को जहां से मैं आए जाते हैं प्रमोट भी करते, अपने अकाउंट को प्रमोट करते, पैसा लगा के ऐड करते उसका, तो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचता। उनमें से जैसे दिन में 200 लोगों ने देखा, 2-4 लोग उनके झांसे में आ जाते, फिर वो उनको बुला लेते, बुला के उनका वीडियो शूट कर लेते, कमरे में अंदर डाल देते, अंदर कोई ना कोई महिला होती, उनके साथ में उनका एक वीडियो बनाते, फिर उसको ब्लैकमेल करने का ये लोग काम करते थे। जी हाँ, लेकिन भाई वही बात है ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की, हो सकता है कोई सिरफिरा बंदा पहुंच गया होगा, उसका वीडियो बना, कैसे हुआ, उसने पुलिस में शिकायत कर दी। आपको पता है भाई शिकायत करने के बाद क्या होता है, तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, जहां पे वो ठिकाना बनाया ऑनलाइन उनको प्रमोट कर रहे थे वहां पे पुलिस ने छापा मार लिया। जी हाँ, छापा मार के उनको गिरफ्तार कर लिया, 3 बंदों को पकड़ा गया, हालांकि किस देश के थे ये नहीं बताया गया, बस हम तो अंदाजा लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी हो सकते हैं, क्योंकि इसी उसी दिन एक सेम मैटर दूसरा भी हुआ, चोरी के आरोप में 3 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। जी हाँ, ये लोग कंपनी में या फिर गोदामों में तोड़फोड़ करके ऑफिस में पड़े उपकरण सामान पैसा निकाल रहे थे। जी हाँ, मोबाइल चार्जर बैटरी निकाल के भाग गए, ये बता दूं काफी सारे लाखों में रियाल भी इनके पास से मिली है जो चोरी की गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई करके उनके ऊपर जेल, पहले तो जेल काटो जितने टाइम उनको जेल होती है, उसके बाद डिपोर्ट हो जाओ। तो ये स्थिति है भाई, इन चीजों से मेन बात ये है कि जो ये वेश्यावृत्ति वाला बुला के ना आप फेसबुक पे अकाउंट पे देख के उनके कांटेक्ट करने की कोशिश करते, आपको साफ साफ बचने की जरूरत है, वरना आपके साथ दिक्कत हो सकती है। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।